बड़ी खबर, बड़नगर तहसील के शराब ठेकेदार की गुंडागर्दी साफ देखने को मिल रही है। यहां ठेकेदार द्वारा धार जिले के बदनावर से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए बोलेरो में 4-5 लोग सवार रहते हैं और गाड़ी में हथियार भी रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बदनावर की तरफ से आ रहा है तो उसका पीछा किया जाता है। वह भी सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कहीं वह बदनावर से शराब लेकर तो नहीं आ रहा है। यहां सवाल ये भी उठता है कि यदि इन ठेकेदारों द्वारा जबरन गाड़ी रोकने पर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसका जिम्मेदार शराब ठेकेदार पूरी तरीके से अवैध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अवैध शराब के परिवहन को रोकने का जिम्मा इनका नहीं है। ये जिम्मेदारी पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की है। इसी प्रकार बड़नगर बाईपास और रूमीजा रोड पर खड़े होकर गाड़ी में हथियार लिए लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हुए उन्हें रोका जाता है। आखिर ये अधिकार इन शराब ठेकेदारों के गुर्गों को किसने दिया। साथ ही प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि ठेकेदार को शराब बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है ना कि गुंडागर्दी करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। आम लोगों के साथ इस तरीके से स्वतंत्र भारत में ठेकेदार द्वारा गुंडागर्दी करना एक निंदनीय घटना है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार इस ओर क्या कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करते भी हैं या फिर ठेकेदार के प्रभाव में आकर कार्रवाई को गोलमोल कर लीपापोती की जाती है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के शराब ठेकेदार के मैनेजर श्रीकांत मिश्रा द्वारा इस कार्य को करने के लिए गुंडे रखे जाते हैं और उन्हें गुंडागर्दी करने के लिए वेतन भी दिया जाता है। यह विचारणीय प्रश्न ये भी उठता है कि ये सारे लोग अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए नेटवर्क हेड महेश सुनगरा की रिपोर्ट। जी बताएं, ये शराब ठेकेदार के जो लोग हैं ये अवैध रूप से गाड़ियों को रोकते हैं, गाड़ी में हथियार रखते हैं और कहीं भी खड़े हो जाते हैं, आने जाने वाले परेशान करते हैं, इस मामले में क्या कहना है? अभी कुछ ज्ञात हुआ है कि ये शराब के ठेकेदारों के कुछ प्राइवेट व्यक्तियों ने, मतलब जो है संगम चौराहे से आगे बदनाव रोड के वहाँ पर कुछ बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं और उनके बाहर जो राहगीरों को रोक रोक करके उनकी जो चेकिंग करते हैं, और ये भी सुनने आया है कि कुछ लोगों को मारपीट भी किया गया, जिससे ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी होती तो प्रशासनिक मांग करना चाहिए और शासन पूरी तरह से इसमें सशक्त है। कोई ऐसी दिक्कतें आती है ठेकेदारों को तो भाई आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग के माध्यम से शासन को पुलिस की का सहयोग लेकर के उनसे कार्रवाई करना चाहिए, और अगर गलत है तो निश्चित कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से बाहर के गुंडेगिर्दी करके, बाहर के लोगों को बुला करके, लोगों को प्रताड़ित करके इस प्रकार के मारकूट करना कतई ठीक नहीं, और ये हम भी आगे अवगत करवाएंगे कि भाई इस प्रकार की जो हमको शासन में अगर किसी प्रकार का ये बदनाम करने की बात होती है तो ये पुलिस को अवगत करवाएंगे और ये पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, ये बंद होना चाहिए। जैसे कि अवैध शराब की बिक्री रोकना है, कच्ची शराब की बिक्री रोकना है और अवैध गतिविधियों को रोकना है। इस प्रकार की गतिविधियों में राजस्व विभाग लगातार जो है वो कार्रवाई कर रहा है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की हिसाब से हम लगातार छापा मारते हैं और थाना प्रभारी बड़नगर को भी हमने अवगत करवाया है, आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये इस संबंध में आपने हमें जानकारी दी है, मैं आबकारी विभाग के जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं उनको अवगत करवाऊंगा और मेरे वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम साहब को अवगत करवाएंगे, कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। आपने मुझे अभी बताया है, इससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी और इसको मैं गो थ्रू इंटू करूंगा, इसको मैं देखूंगा, अगर वो गलती पे है तो बिल्कुल उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे।